मुझे बता दीजिए कि इसमें कहीं भी हिंदू या मुसलमान का जिक्र है क्या? इसमें कहीं भी दलित या ब्राह्मण का जिक्र है क्या? इसमें कहीं भी महिला या पुरुष का जिक्र है क्या? अगर नहीं है तो आप जो इस देश में जात और धर्म के नाम पे जो नफरत फैलाई जा रही है, इंसानों को जो इंसान से बांटा जा रहा है, आपको लगता है कि ये देश हक़ी है? अगर आपको नहीं लगता है कि ये देश हक़ी है तो आप इसका विरोध करेंगे, और आप जब इसका विरोध करेंगे तब आपको अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। और एक आईएएस ऑफिसर कन्हैया गोपीनाथन आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, देख लीजिए। अगर आप इसका विरोध करेंगे तो आप पत्रकार होते हुए अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं। सैकड़ों पत्रकारों को सच्चाई लिखने के चलते उनकी नौकरियों से बाहर कर दिया गया है। आप अगर सच लिखेंगे, सच बोलेंगे तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा और फर्जी मुकदमे लगा करके आपको जेलों में बंद कर दिया जाएगा। देश के तमाम युवा नेताओं को आप देख लीजिए, डॉक्टर रफी खान से लेकर के वो तमाम लोग जो आज सच बोलते हैं आज उनको जेलों में बंद करके छोड़ दिया गया है। ये जो हालात देश के भीतर पैदा किए गए हैं, इस हालात में हम तमाम लोगों को एक बात समझने की जरूरत है कि बड़ी चालाकी से जो हमारी लड़ाई है, जो हमारा सवाल है, मैं कह रहा था कि आज किस तरह की राजनीतिक परिस्थिति देश के भीतर पैदा की गई है कि अगर आप सरकार की बात से सहमत हैं तो सही, अगर आप सरकार की बात से सहमत नहीं है तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा। सरकार ने तमाम अपनी चीजों को गुमराह करने के लिए, जो उनकी असफलता है उसको गुमराह करने के लिए रोज हमारे बीच में नया एजेंडा फेंकती है। अभी एजेंडा क्या आया है कि सीएए के समर्थन में और सीएए के विरोध में रैलियां हो रही है। एक बात आप मुझे बताइए कि कोई कानून जब पास हो गया है तो उस कानून के समर्थन में रैली निकालने की क्या जरूरत है? वो कानून ऑलरेडी पास हो चुका है, जिसको उस कानून से दिक्कत है वो लोग उस कानून का विरोध करेंगे। असल मसला क्या है? मसला ये है कि दिन रात जो हमारे टेलीविजन पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को इस देश के गली मोहल्लों में उतारना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए और गांधी के इस देश में, अम्बेडकर के इस देश में, भगत सिंह के इस देश में इंसानों को आपस में ला करके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और आत्मसम्मान के सवाल को गुमराह किया जाए। इसीलिए आज हमारे सामने ये कठिन चुनौती है कि कैसे ये जो साजिश है उस साजिश का हम पर्दाफाश करेंगे। आप तमाम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। भाजपा के मित्र कहते हैं कि जो सीएए का विरोध कर रहे हैं वो इस देश में हिंदुओं को नागरिकता देने के खिलाफ है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सब लोग बिहार के लोग जो ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, इस धरती पर रहने वाले लोग किसी भी धर्म को, ये गुरु गोविंद सिंह की धरती है, ये मौलाना मंसूर हक की धरती है, ये पीर अली की धरती है, इस धरती पर क्या आप किसी भी इंसान को, किसी भी धर्म के इंसान को नागरिकता देने के खिलाफ है क्या? नागरिकता देने के नाम पर एनआरसी और एनपीआर की साजिश के द्वारा इस देश के लोगों को जो नागरिकता छीनने की तैयारी की जा रही है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। और हमारी विरोध को, हमारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए ये जो अपने आप को दादा समझते हैं ना दिल्ली में बैठ करके, ये सारी नाम की दानियों से डर गए हैं। दिन रात नफरत लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है।
अभी आपको पता चला कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और पिछले 5 साल में 3,16,00,000 लोगों की नौकरियां चली गई है और नौकरियां नहीं मिलने के खिलाफ में ये आंकड़ा आ चुका है कि हर घंटे एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है। मैं अपने नौजवान दोस्तों से अपील करना चाहता हूं कि दोस्त अपने भाग्य को कोस करके हम आत्महत्या नहीं करेंगे, बल्कि हमारा कैरियर छीन करके अपने बेटे का कैरियर बनाने वाले इस सरकार से सवाल का जवाब मांगेंगे, इसके खिलाफ लड़ाई करेंगे। आप सोचिए कि कितनी चालाकी से इस देश में गांधी जिंदाबाद कहने वाले लोगों को आज देशद्रोही कहा जा रहा है और गोल से जिंदाबाद कहने वाले लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया है। लोगों को भगाने वालों के ऊपर एफआईआर नहीं किया जाता है और जब एफआईआर करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय देती है तो उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप देखिए कि खुलेआम इस देश के भीतर क्या किया जा रहा है। खुलेआम इस देश के भीतर धीरे धीरे लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनकर इंसानों को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। आप देखिए कि आज इस देश में एक ही वर्ग के लोग हैं जो सीएनआर सिलेंडर का विरोध कर रहे हैं और जो बत्ती बहन करके इस देश की सेवा कर रहे हैं वो एक ही क्लास के लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री साहब को पेंशन मिलेगा लेकिन बत्ती बहन करके नौकरी करने वाले सिपाहियों को पेंशन नहीं मिलेगा, इसको बेमानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे बच्चों के हाथ में आप पत्थर थमा देना चाहते हैं, हमारे नौजवानों के हाथ में आप रॉड थमा देना चाहते हैं और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देना चाहते हैं। हम आपकी शादी से खिलाफ गांव गांव जाएंगे, एक एक इंसान के बीच में जाएंगे और आपको क्या लगता है आप हमको अपनी नफरत से डरा देंगे। आप बुलावे में हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं और गांधी जी के प्रपोज आज हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, ये इस बात की शिनाख्त कर लीजिए। हम इस देश में आप तमाम लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि यही नफरत जो नफरत आज इस देश के भीतर बोली जा रही है, इसी नफरत का नतीजा था कि इस खूबसूरत देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया। उस वक्त भी अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से गाय का मांस मंदिरों में फिरवाकर, सुअर का मांस मस्जिदों में फिरवाकर हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाया, भारतीयों को आपस में लड़ाया और फूट डालो राज करो की नीति ने इस देश का बर्बाद किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं इस देश के हुक्मरानों को यह समझ में आना चाहिए कि इस देश में जो मुसलमान रह गए उन्होंने जिन्ना को नहीं गांधी को अपना राष्ट्रपिता चुना था। इस बात को याद रखना चाहिए, इस बात को याद रखना चाहिए कि जब पार्टीशन होने की बात आई, देश में दंगे शुरू हुए तो एक तरफ पश्चिमी भारत में माउंटबेटन की पूरी फौज खड़ी थी लेकिन वो दंगा नहीं रोक पाए। अकेला महात्मा गांधी, वो बापू, वो अर्धनग्न फकीर इस भारत का दंगा भूख हड़ताल से रोक दिया था। इस देश ने हमेशा गांधी को अपनाया। मुझे अफसोस है कि आज अगर गांधी दिल्ली में होते तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल नहीं रहा होता। अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल नहीं रहा होता तो राहुल की भी जान नहीं जाती और नाजिम की भी जान नहीं जाती। कोई माँ अपना बच्चा नहीं खोता, कोई पत्नी अपना शौहर नहीं खोता और किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया नहीं छिन जाता। मैं बार बार कहता हूं कि देश की सरकार ने गोडसे को चुन लिया है, इस देश की जनता को तय करना है उसको गोडसे के साथ जाना है कि गांधी के साथ जाना है। जब ये किसके साथ जाने के लिए तैयार है? अगर गांधी के साथ जाने के लिए तैयार है तो नेता की तरह मैं लफाजी नहीं कर रहा हूं, मुझे लफाजी करके चाटुकारिता करके और वोट की गिनती करके प्रधानमंत्री नहीं बनना, इस बात को याद रखिएगा। कुछ राजनीतियां इससे लड़ी जाती हैं, उसे चुनाव नहीं जीते जाते हैं, उसे इतिहास बनाया जाता है। और आप तमाम लोग आज पटना के गांधी मैदान में हैं, आप इस देश में इतिहास रच रहे हैं।
बात को याद रखिएगा। इस देश को जब जरूरत है कि हम गांधी के रास्ते पर चले और वही रास्ता वही पथ हम लोगों को एक मुक्ति का रास्ता सिखाएगा। आज के देश में आज की तारीख में हमको अंबेडकर की समानता की जरूरत है, गांधी की महानता की जरूरत है और भगत सिंह की बहादुरी की जरूरत है, निडरता की जरूरत है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। अगर भगत सिंह की निडरता, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता और गांधी की महानता अगर हमारे साथ है तो ये गोर सेवादी ताकतें, नफरतवादी ताकतें इस दिल को बांट नहीं सकती है, इस देश को तोड़ नहीं सकती है। इस बात का भरोसा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। गांधी ने धर्म के आधार पर देश की बांटने की साजिश को बखूबी समझा था। इसीलिए गांधी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सरमति दे भगवान। और आज अगर गांधी जिंदा होते तो इसी गाने के साथ हुए बात बोलते, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सरमति दे।